मेरा नाम सत्य प्रभु है, मैं तमिलनाडु त्रिपुर से आया हूँ। हम लोग इधर अमरदा गांव में, उड़ीसा में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग ये साल पत्ता है ना, उसमें जो है प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बिना एक डिफरेंट एक स्पेशल टेक्निक में हम लोग इसको डोना कैसे बनाना करके हम लोग उसको बना के दिखाने वाले हैं। ये अरविंद राणा जी जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर है इस एरिया में, ये एरिया में पूरा लोगों को काम देके यहाँ पे कम से कम एक 10,000 बोरा जो है 10 करोड़ पत्थर डोना एक महीने में वो बना के पूरा इंडिया सप्लाई करता है। और इनका वो अंकल है हरे कृष्ण जी है, और दीदी जो काम करते हैं उनका नाम चंपावती है। ये इनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहते हैं। तो आगे इसका प्रोसेस पूरा आपको समझाने वाले हैं। लेट अस सी, थैंक यू। अभी देखो हरे कृष्ण जी जो है पत्तल के अंदर एक स्टिक लगा रहे हैं। देखो एक काठी, इनको काठी यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे काठी लगा देते हैं। लगा के उसके बाद वो मशीन में डालेंगे। एक मिनट जी, हाँ कमीशन के लिए दे रहे हैं अभी। दिखाइए ऐसे। अभी जो चंपावती जी है वो बना के अभी आरंभ राणा जी को दे रहे हैं। अब राणा जी दिखाएंगे हमारे लिए कि कैसे उसका क्वालिटी रहता है। उसके बीच में जो है कैसे सर उसका समझाइए। देखिए उसके अंदर कोई प्लास्टिक यूज हुआ नहीं। थोड़ा खोल के दिखाइए सर। विदाउट टेस्टिंग में वो बना हुआ है जी। पूरा खोलो सर। और एक नहीं, और भी है ना वो जो पत्ता है उसके बीच में भी क्या है वो पत्ते का। और एक है, और एक पत्ता है, उसको भी ओपन कर दो। तो इसमें कोई भी प्लास्टिक नहीं है। कोई भी प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। अभी एक दूसरा पीस जो है प्लास्टिक के साथ वाला जो आइटम है ना वो भी एक है तो दिखाइए ना। अभी जो है जो पुराने टेक्निक में वो लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करके कैसे पेस्टिंग के साथ बना रहे हैं, वो बनाए हुए आइटम्स को अभी हम खोल के देखने वाले हैं कि वो अंदर कैसे लग रहा है करके। राणा जी आप थोड़ा समझाइए कि अंदर पुराने जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग पेस्टिंग करके प्लास्टिक अंदर लगाते हैं ना, उसका कैसे प्रोसेस होता है, मतलब उसका प्रोडक्ट कैसे लगता है करके एक बार समझाइए। देखिए उसका बीच में पहले प्लास्टिक देना पड़ता है जी। खोलिए ना सर एक प्लास्टिक को। ये प्लास्टिक रहता है इधर किधर सर, डबल पत्ता दे के उसको भी एक बार खोलो सर, थोड़ा और भी अच्छा करो। इसमें ये वाला प्लास्टिक है, हाँ ये दूरा एक मिनट चिपक जाता है ये एक, ये प्लास्टिक है ना। अभी ये लोग पुराने टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक कैसे लीव्स के बीच में लगाते हैं, पत्ते के बीच में लगाते हैं करके हम लोग देख रहे हैं। वो दीदी है ना चंपावती दीदी है, उनका हाथ में जो है प्लास्टिक पॉलिथिन रहता है। अभी दीदी जो इस्तेमाल करके पहले टेक्नोलॉजी में कैसे करते थे वो उसी को हम लोग दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। दीदी आप कर दिए
ठीक है जी, आप उसको हमारे लिए खोल के दिखा दो, उसको पूरा फाइनल फिनिश कर दो। बस निकाल देना। हाँ जी सर, राणा जी को दिखा देना। राणा जी सर, आप एक बार उसको ओपन करके दिखा देना सर। ओपन करना। हाँ किधर सर, प्लास्टिक वही वाला है, दिखाओ अंदर है। हाँ ये प्लास्टिक ना, ठीक है, थैंक यू सर। आप लोग ने जो पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे उसके पहले जो है नया टेक्नोलॉजी प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बिना कर रहे हो, उसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट निकल रहा है करके आपने हमको साबित किया है। आप इस एरिया का मेन कॉन्ट्रैक्टर है और आप उसमें कन्विंस हो गए तो फिर बाकी लोग करने में बहुत ईजी हो जाता है। आप क्या सोचते हो सर इसके बारे में? अच्छा है, थैंक यू, धन्यवाद सर, भालो लगीला, थैंक यू, सी यू अगेन सर। हरे कृष्णा जी धन्यवाद, चंपावती जी धन्यवाद, रोबिंद राणा जी धन्यवाद, और हमारा जो नया रिकॉर्डर था कैमरामैन ये है, आपका नाम क्या है? मदन कुमार दास। थैंक यू ऑल, सी यू अगेन।